तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाइक एडवाइजर में। दोस्तों आज हम स्प्लेंडर में क्लच प्लेट डालेंगे और साथ के साथ इसकी क्लच प्लेट क्यों ख़राब हो गई वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसकी जो क्लच केबल है वो हैंडल के मोड़ वाली जगह से टूट चुकी है, जिस वजह से क्लच लीवर जो है दबाने में टाइट हो गया, तो जिस वजह से ये क्लच प्लेट है जल्दी ख़राब हो गई। तो दोस्तों यदि आपको क्लच लीवर थोड़ा टाइट महसूस होता है क्लच लीवर दबाने में, तो क्लच केबल को तुरंत चेंज करा दें, तो इस वजह से आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब नहीं होंगी। तो दोस्तों जब हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है तो हमारी गाड़ी की किक जो है वो स्लिप मारती है। दूसरा, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी जो है वो स्पीड के साथ नहीं भागती है, गाड़ी का पिकअप भी कम हो जाता है, और गाड़ी जब हम भगाते हैं तो इंजन आवाज़ करता है, गाड़ी स्पीड देते हैं लेकिन गाड़ी स्पीड के साथ भागती नहीं है, गाड़ी लोड लेती है। तो दोस्तों इस वजह से क्लच प्लेटें भी हमें डालनी पड़ती है। तो दोस्तों जब क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है तो एवरेज भी हमारी गाड़ी का काफ़ी कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको स्प्लेंडर की क्लच प्लेट चेंज कर कर दिखाते हैं और साथ के साथ क्लच केबल चेंज कर कर दिखाते हैं। तो दोस्तों इस क्लच केबल को हम खोल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम ऑयल गेज को खोलेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम इंजन का ऑयल निकालेंगे 17 नंबर का बोल्ट खोलकर। जब भी आप ये ऑयल का बोल्ट खोलें उससे पहले एक डिब्बा नीचे लगा लें, जिससे कि इंजन का जो ऑयल है वो डिब्बे के अंदर ही गिरे। उसके बाद दोस्तों हम उसकी किक को खोलेंगे 12 नंबर की रिंच से। उसके बाद दोस्तों हम क्लच कवर को खोलेंगे 8 नंबर की टोमी से। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर कर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों सारे बोल्टों को खोलने के बाद हम क्लच कवर को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम चारों पेचों को खोलेंगे पेचकस की मदद से। चारों पेचों को खोलने के बाद इस प्लेट को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम गुटके की सहायता से रोटर के बोल्ट को खोलते हैं। उसके बाद दोस्तों क्लच हाउसिंग के नीचे जो ऑयल की प्लेट लगी रहती है उसके 10 नंबर के बोल्टों को खोलते हैं। इसमें दो 10 नंबर के बोल्ट लगे रहते हैं। तो दोस्तों क्लच के 10 नंबर के जो बोल्ट खोलते हैं 10 की टॉमी से। तो दोस्तों जब भी आप क्लच खोलते हैं तो क्लच के सामान को संभाल कर रखें, एक एक बोल्ट को, जब हम दोबारा क्लच फिट करें तो हमें कोई दिक्कत ना आए उन्हें ढूंढने में।
तो दोस्तों गुटके की सहायता से हम दूसरे बोल्ट को भी खोलते हैं। बोल्ट को खुलने के बाद हम क्लच को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जो है इसकी क्लच प्लेट हमने क्लच से बाहर निकाल ली है, तो इसका जो लेदर है वो पूरा हार्ड हो चुका है, जल चुका है, जिसकी वजह से जो है जो कि स्लिप मार रही थी। तो दोस्तों हमने क्लच प्लेटों को अलग और स्टील प्लेटों को अलग कर लिया है, उसके बाद हम क्लच प्लेट डालेंगे। तो दोस्तों क्लच प्लेट डालने का तरीका यह है कि सबसे पहले एक हाथ में हब को ले लें, उसके बाद क्लच प्लेट को फिट करें, उसके बाद एक स्टील प्लेट, फिर उसके बाद एक क्लच प्लेट, फिर उसके बाद एक स्टील प्लेट, उसके बाद फिर एक क्लच प्लेट, फिर स्टील प्लेट, उसके बाद लास्ट में ये एक क्लच प्लेट। तो चार क्लच प्लेट होती हैं, तीन स्टील प्लेट होती हैं दोस्तों। उसके बाद हम सेंटर को उसमें बिठा देंगे, बिठाने के बाद क्लच को हम क्लच हाउसिंग के अंदर फिट करेंगे। क्लच को सही तरीके से बिठाने के बाद हम उसके बोल्ट को कस देते हैं। दोस्तों नट को अच्छी तरीके से टाइट करें। उसके बाद हम क्लच की चारों स्प्रिंगों को फिट करेंगे। स्प्रिंग को सही तरीके से बिठाने के बाद इस प्लेट को 10 नंबर के बोल्टों से कसेंगे। क्लच के नीचे लगने वाली प्लेट को 10 नंबर के बोल्टों से कसेंगे। उसके बाद हम क्लच के रोटर को फिट करेंगे। पहले पार्सल लगाएंगे, फिर उसके बाद नट लगाएंगे और गुटके से उसे टाइट करेंगे। तो दोस्तों इस नट को काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना है। यदि ये नट हल्का लूज रह जाता है तो क्लच के अंदर आवाज़ आती है, तो इसलिए इस नट को काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करना है। तो दोस्तों रोटर के नट को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद हम इस प्लेट को लगाएंगे। इस प्लेट में चार मुंह के पेच हैं, जो पेचकस की सहायता से हम उन्हें कसेंगे। प्लेट को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद हम क्लच के जो बैरिंग है प्लेट का वो लगा देंगे बैरिंग को। बैरिंग को फिट करने के बाद ऑयल पंप की जाली को फिट कर देंगे। क्लच कवर की पैकिंग को फिट करेंगे।
दोस्तों पैकिंग को बड़े अच्छे तरीके से बैठाना है जिससे कि कहीं से कोई लीकेज ना रह जाए। उसके बाद हम इसका क्लच कवर फिट करेंगे। क्लच कवर को सही तरीके से बिठाने के बाद हम क्लच कवर के सारे बोल्टों को कसेंगे। तो दोस्तों क्लच कवर के सारे बोल्टों को टाइट करने के बाद अब हम किक को फिट करेंगे। और 12 नंबर की रिंच से किक के बोल्ट को टाइट करेंगे। तो दोस्तों किक को टाइट करने के बाद जो हमने नई क्लच केबल डाली है उसको टाइट करेंगे। उसके बाद हम इसका क्लच चेक करेंगे, क्लच कैसा काम कर रहा है। तो दोस्तों क्लच काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों ये वाली जो प्ले है क्लच के अंदर हमेशा रखनी चाहिए, इतना क्लच लूज रहना चाहिए। तो दोस्तों अब इसका ऑयल का बोल्ट कस देते हैं। ऑयल का बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट करें, कहीं कोई लीकेज ना रह जाए। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए ऑयल हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये ऑयल का लेवल है, यहाँ तक ऑयल होना चाहिए इंजन के अंदर। तो चलिए इसे कस देते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्लच प्लेट डल चुकी हैं, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।